नमस्कार मैं अरुष कुमार स्वागत है आप सभी का प्रियंका नॉलेज बैंक में कहिए कैसे हैं आप आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं दोस्तों इस वीडियो में आप देखेंगे माँ भैंस के दूध से मक्खन छाछ और घी कैसे बनाती है और दोस्तों इस वक्त आप देख रहे हैं वो जगह जहाँ से माँ प्रतिदिन भैंस का दूध लेकर आती है और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारी प्यारी आंटी भैंस को दूर रही है माँ घर पर दूध लेकर आ चुकी हैं और ढाई लीटर दूध को एक भगोने में पकाने के लिए गैस पर रख देती हैं। आप देख रहे हैं दूध में उबाल आ चुका है और माँ गैस को धीमी करके इस दूध को और चार पाँच मिनट पकाएंगी ताकि दूध पर मलाई अच्छे से जम सके गैस बंद कर दी है अब छेदों वाली चलनी से दूध को ढक देते हैं दस से बारह घंटे के बाद दूध पर बहुत ही मोटी मलाई जमकर तैयार हुई है अब इस मलाई को एक कोचे की सहायता से माँ एक भगोने में निकाल लेती हैं सर्दियों के दिन चल रहे हैं और इन दिनों से तय ही दूध पर मोटी मलाई जमती है लेकिन आप चाहते हैं दूध पर और भी अधिक मोटी मलाई जमे, इसके लिए आप दूध को उबालें और फिर उसे ठंडा होने दें और उसके बाद इसको तीन से चार घंटे के लिए फ्रिज में रख दें और आप देखेंगे मलाई बहुत मोटी हो चुकी होगी माँ ने भी इसी तरीके को अपनाया है पहले दूध को उबाला फिर उसे ठंडा होने दिया और फिर कुछ घंटों के लिए उसे फ्रिज में रख दिया और आप देख रहे हैं मलाई वाकई मोटी जमकर तैयार हुई है और इसी तरीके को अपनाते हुए अगले दिन के दूध की मलाई को पहले वाले दूध की मलाई के भगोने में निकाल लेते हैं मलाई वाले भगोने को माँ ने फ्रिज में रख दिया था ताकि मलाई खराब ना हो वैसे तो इन दिनों सर्दियाँ चल रही हैं मलाई जल्दी से ख़राब नहीं होती है लेकिन आप चाहें तो मलाई के भगोने को फ्रिज में रख सकते हैं और ये पाँच लीटर दूध की अतिरिक्त मलाई है जिसे एक भगोने में कर लेते हैं माँ ने इसे पहले ही इकट्ठा करके रखा था और अब मलाई वाले भगोने को गैस पर रख देते हैं सर्दियों में इसे जमाने के लिए अधिक गर्माहट की आवश्यकता होगी इसलिए इसे गुनगुने से थोड़ा ज्यादा गर्म करेंगे मलाई अच्छे से घुल गई है ये देखिए गाढ़ा दूध बन चुका है और ये अच्छे से गर्म भी हो गई है मलाई अब हम गैस को बंद कर देते हैं अब मां इसकी दही जमाने के लिए जामन के रूप में छाछ का प्रयोग कर रही हैं। आप दही का प्रयोग भी कर सकते हैं गर्मियों मौसम के मौसम की तुलना में सर्दियों के मौसम में जामन थोड़ा अधिक लगता है इसलिए अधिक जामन का प्रयोग कर रही हैं। अब इसे अच्छे से चला लेते हैं मलाई में जामन अच्छे से मिक्स हो गया है अब मां इसे डब्बे में भर के रख देंगी अब इसे हम छः सात घंटे के लिए धक्का रख देते हैं अब माँ डब्बे के चारों ओर एक कपड़ा लगा देती हैं जिससे इसकी गर्मी धीरे धीरे खत्म हो और दही बहुत अच्छे से जम पाए छः से सात घंटे में मलाई की दही जमकर तैयार है अब माँ इसे मतने के लिए एक भगोने में निकाल लेती हैं और आप देख रहे हैं मलाई की दही बाकी बहुत अच्छी जमी है दोस्तों माँ और मुझे इस कार्य को करने में बहुत आनंद आता है माँ प्रतिदिन मलाई उतारती हैं उसमें जामन लगाती हैं मक्खन बनाती हैं, छाछ बनाती हैं और उस छाछ का प्रयोग मैं दिन के भोजन में अवश्य करता हूँ सिर्फ बरसात के दिनों को छोड़कर और रात के भोजन में छाछ नहीं पीता हूँ इसे मतने के लिए बिजली के उपकरण भी बाजार में मौजूद हैं, लेकिन हमें हाथ से ही इसको मतने में आनंद आता है आप चाहें तो इसको जल्दी मतने के लिए बिजली के उपकरण का प्रयोग भी कर सकते हैं ये देखो कितना टाइट हो गया है सर्दियों में थोड़ा गर्म पानी पड़ता है अब हम इसमें गरम पानी डाल देते हैं तो मक्खन अलग हो जाएगा और छाछ अलग हो जाएगी मात्र दो मिनट में ही मक्खन आ गया अब इसे मट्ठे को अलग करने के लिए थोड़ा गरम पानी डालेंगे अब इसमें थोड़ा गरम पानी डालेंगे अब थोड़ा गरम पानी डाल देते हैं थोड़ा गुनगुना ही पानी डालेंगे ज्यादा तेज गरम पानी नहीं डालेंगे वरना मक्खन पिघल जाएगा और इस वक्त जो आप मक्खन देख रहे हैं इसे नूनी घी बोला जाता है इसे आप नमकी रोटी पर रगड़ कर खाइए बहुत आनंद आएगा मट्ठा अलग हो गया है और मक्खन अलग हो गया है ये देखिए हम मट्ठे को बाहर निकाल लेते हैं दोस्तों ये ताज़ा ताज़ा मट्ठा पीने में बहुत ही स्वादिष्ट और मीठा है आप इसे ऐसे ही पिए या भोजन के साथ सादा पिए या तड़के के साथ बहुत ही आनंद देने वाला है मैं तो आज इसे गुड़ के साथ पीऊँगा अब माँ ने में थोड़ा पानी डालकर मक्खन को धुल लेती हैं ताकि इसमें से छाछ पूरी तरह से अलग हो जाए और इस विधि से बनाए गए मक्खन से बने घी का स्वाद भी बेमिसाल होता है बहुत ही लाजवाब होता है मट्ठा बहुत गाढ़ा है अब इसी को इस मट्ठे में डाल देते हैं माँ ने वीडियो में आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा मक्खन पहले से ही फ्रिज में स्टोर करके रखा था अब इसे भी धुल लेते हैं ताकि इसमें जो भी स्मेल पैदा हुई हो वो दूर हो जाए आमतौर पर भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाए इसी तरीके से एक मक्खन को इकट्ठा करती हैं और घी बनाती हैं माँ ने इसे धोने के लिए हल्के गुनगुने पानी का प्रयोग किया है अब सारे को एक बड़े भगोने में निकाल लेती हैं। मक्खन हमारे पास ज्यादा है तो बड़े बर्तन में ताना है बड़े बर्तन में गर्म करेंगे थोड़े का तो हम जिसमें लगाते हैं उसमें गर्म कर लेते हैं पानी को निकाल देंगे और भगोने को गर्म कर देंगे सारा घी निकल कर बाहर आ जाएगा अब माँ मक्खन मा के भगोने को उचल तो ये चूल्हे पर रख देती हैं और इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये घी के रूप में बदल नहीं जाता खुला हुआ मक्खन बहुत जल्दी तैता है अब हमें पानी का छिट्टा दे देना है तो ये उबलेगा नहीं सात-आठ को तोड़कर डाल देते हैं आप चाहें तो ही डाल लें या ना चाहें तो लोंग ना डालें इसे डालने से घी का स्वाद लंबे समय तक अच्छा बना रहता है मीडियम आंच पर पकाने पर घी तैयार होने में 20 से 25 मिनट लग जाएंगे घी हो चुका है अब चूल्हे से उतार लेते हैं जैसे ही घी आपको ट्रांसपेरेंट दिखाई देने लगे फ्लेम को ऑफ कर दें। इसे और अधिक ना पकाएं, वरना ये डार्क हो जाएगा आप देख रहे हैं चूल्हे से उतारने के बाद भी इसमें उबाल आ रहा है अब इसे ठंडा होने देते हैं और फिर इसे स्टील या कांच के जार में भर कर रख देते हैं ये ठंडा हो चुका है अब एक कांच के बोट में कर देते हैं आप देख रहे हैं माँ एक छलनी का प्रयोग कर रही हैं। इससे इसमें घी के जो अवशेष तत्व हैं वो नहीं आएंगे दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें माँ बहुत ही प्यार और मेहनत से आपके लिए रेसिपीज़ बनाती है प्लीज़ उनका मनोबल जरूर बढ़ाएँ और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएँ कुछ घंटों के बाद आप देखेंगे घी जम चुका होगा घी जमकर तैयार हो गया है ये देखिए कितना दानेदार घी है।, है ना दानेदार घी मेरे प्यारे बच्चों मेरे भाई बहनों अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ खुश रहो आनंदित रहो बाय बाय